आज कैसा रहा दिन? हाँ, वही पूरे दिन काम, ऑनलाइन मीटिंग्स, वेबिनार्स और ऊपर से कोरोना की खबरें। दिमाग की बिल्कुल वाट लग गई है। चाय लोगे ना अमर? अमर, चाय लोगे ना? हाँ हाँ लूंगा। सारे का बच्चे कहाँ हैं? अपने रूम में। आज उन्हें अपने असाइनमेंट्स पूरे करने हैं ना? आज 8 बजे है। अमर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, ग्रुप पर उसी के बारे में बात हो रही है। पता नहीं आज क्या अनाउंसमेंट हो जाए। 2 हफ्ते हो चुके हैं, बिजनेस का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, किसका मैसेज है? पता नहीं क्या क्या जोक्स भेजते रहते हैं ये लोग साले। अच्छा, मेरा एक और कॉल है, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर। उससे क्या कहा? अरे यार, तुम मुझे क्यों एम्बैरेस कर रही हो? वैसे इस सडन सिचुएशन ने इतनी बुरी तरह फंसा दिया है। आई नो, गॉड नोज ही कितने दिन चलेगा। कितने दिन मतलब? कांट लिव विदाउट सीइंग यू एनी मोर बेबी। आई कांट लिव विदाउट यू टू। पर अब क्या कर सकते हैं, देखो अब आगे क्या होता है। आई नो, ऐसे आज उस रेड ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही थी। मन तो किया कि अमर बिहेव। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन किया कि तुम्हें लेकर कहीं भाग जाऊं, इन सब से बहुत दूर। व्हाई गो देयर, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। सपने तो देख ही सकता हूं ना बेबी, दिल पर किसका जोर है। इस उम्र में संभाल के सपने देखा करो बेबी। अच्छा एक बात बताओ, तुम स्लीप टॉक तो नहीं करते? स्लीप टॉकिंग नहीं करता हूं, लेकिन स्लीप मैसेजिंग कर लेता हूं कभी कभी। हाँ, दैट आई नो। लव यू बेबी। वो
वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन तुम अकेले मैनेज कैसे कर रही हो सब कुछ? सब मैनेज हो गया बेटा, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इंतजाम बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, तू फिक्र मत कर। आई विश माँ कि आप इधर होती, कितनी बातें करते, अचार बनाते, पापड़ बनाते, याद है जैसे बचपन बनाते थे? बचपन के दिन याद आते माँ, बहुत मजा आता। अब तू माँ बन गई है ना, वंशिका 11 साल की हो गई है, जो तू मुझे कह रही है ना करने को उसके साथ कर। हाँ माँ, पर ये घर का सब काम वाम करके ना मुझसे तो होता नहीं है। खैर चलो माँ, डिनर की तैयारी करनी होगी, अमर एक फोन पे है, वो खत्म करते ही डिनर लगाऊंगी। ओके माँ चलो। अरे अमर कैसा है, बहुत दिन से उससे बात ही नहीं हुई। बात तो मेरे से भी नहीं हुई। क्या बोला बेटा? मतलब कुछ नहीं, बस बिजी है, ये सब वेबिनार्स, मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है ना, और कुछ नहीं। उसका ना वजन भी बढ़ रहा है, उसे कहो थोड़ा ध्यान रखे, ये एज ना थोड़ी डेंजरस होती है। माँ डोंट वरी, ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, पुराना वर्कआउट शेड्यूल शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो जाएगा तो मैं शुरू कराऊंगी। ओके आप फिक्र मत करो, चलो मैं कल परसों फोन करती हूँ, बात करते हैं। ओके माँ चलो, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, बाय। ये वर्क फ्रॉम होम इज रियली टायरिंग। सुबह 8 बजे से कॉल शुरू हो जाती हैं, रात में 10 बजे तक चलती हैं, उसके ऊपर लैपटॉप स्क्रीन के सामने 24 घंटे बैठे रहो, इट्स लाइक स्लो पॉइजनिंग। क्या? नहीं, इट्स लाइक स्लो पॉइजनिंग, धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। हाँ बिल्कुल, ब्लडी टायर्ड ऑफ दिस। हमर अगले हफ्ते वनिष्का का बर्थडे है, तो मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग कुछ हाँ अच्छा 15th अप्रैल, हमारी बेटी है अमर, तुम्हें याद कैसे नहीं? हाँ मैं जानता हूँ, सारी दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरीज बंद हैं, एवरीथिंग इज लॉक्ड आउट। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही लेकर आई, उसकी चॉइस तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना, लाइक फादर लाइक डॉटर। ये देखो रेड ड्रेस। दैट वाज सो ईरी, ऐसा लगा जैसे उसने हमारी सारी बातें सुन ली हो। तुम बेकार में हाइपर हो रहे हो, दरवाजा लॉक था ना? हाँ बेबी बिल्कुल बंद किया था मैंने। हाँ तो फिर इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, चिल। आई एम रियली टायर्ड, आई वांट टू मीट यू। I told you, ना, this woman is a psycho. Relax, Amar. हम जल्द मिलेंगे. Hope it's soon. अच्छा सुनो बेबी, जुलाई में ऑफिस की कॉन्फ्रेंस है गोवा में, साथ में चलेंगे। जिंदा रहेंगे तो चलेंगे। तुम बकवास मत करो प्लीज, बेकार की बातें करोगी तो गाड़ी निकालकर अभी तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। पुलिस के डंडे पड़ेंगे वो? पुलिस वुलिस से नहीं डरता मैं। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले रेड टॉप देखकर फट गई थी तुम्हारी। बेबी तुम मेरी क्यों बजाती रहती हो? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, आई लव यू। लव यू टू। अरे सारिका, इतना सब कुछ, क्या कोई खास दिन है आज? कुछ खास तो नहीं, just thought of celebrating. क्या बात है, कैंडल लाइट डिनर एंड ऑल दैट, फील्स लाइक द लास्ट सपर। ऐसा ही कुछ है, यू सेड इट। बच्चे सो गए क्या? सो गए, सुबह 8 बजे ऑनलाइन क्लासेस शुरू होते हैं ना, जल्दी सो जाते हैं। अबे तुमने इतना माहौल बना दिया है,
तो एक ड्रिंक तो बनती है। मैं लेकर आती हूँ। और तुम्हारी ड्रिंक? आज थर्सडे है, मेरा व्रत है। ये व्रत वत से कुछ नहीं होता यार, एक ड्रिंक लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगी। तुम पियो। अमर, अमर 8:30 बज गए, उठ जाओ। अमर, जब हैंडल नहीं कर पाते हो तो पीते क्यों हो इतना? अमर, 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 क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया अमर? लेकिन सारिका, ये हुआ कैसे? उसने रात को कुछ कहा तुमसे? क्या वो अनकंफर्टेबल था? He slept peacefully last night. सुबह जब उठाने गई, He was no more. लगता है नींद में ही कार्डियक अरेस्ट हुआ है। <laughs>
So, he couldn't live without you, hmm? Baby. Well, God's the blesses his fat soul. Malu, behave. He was my husband, after all. Mera bhi to boyfriend tha. You forget it. Mm-hmm. Sirf tera nahi. Ritu, Manika, और पता नहीं किस किस का. हाँ माँ, माँ मैं तुम्हें वो नंबर भेज रही हूँ, वो लोग होम डिलीवरी कर लेंगे. हाँ वो बिल्कुल सेफ है, वो घर पर देकर जाएंगे. कोई हाँ हाँ मैं अभी नंबर भेजती हूँ. तुमने क्यों किया ऐसा अमर? तुमने 3 साल पहले प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, फिर से क्यों अमर? क्यों? हेलो हेलो. ओह माय गॉड सारिका, ओह माय गॉड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. तेरा नंबर अभी भी वही है, इतने सालों बाद भी. हेलो सारिका, क्या हुआ? मालिनी बोल रही हूँ, सड़ू. मालिनी, मालिनी सिंह. हाँ चंडीगढ़ गर्ल्स कॉलेज. हाँ बाबा सड़ू, मैं बोल रही हूँ. 15 साल बाद. ओह माय गॉड, हमने इतने सालों में एक दूसरे को फोन नहीं किया. हाउ बिजी वी गॉट, बट दिस इज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज. आई एम सो हैप्पी. कैसी है, कहाँ है, और तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? इवन आई एम सरप्राइज्ड. What is this shit? Huh? क्यों झेल रही हो? And you out of all the people? Sarika, you, the topper of our college? क्या करती? मेरे तो बच्चे हैं मालू. जो कर रही थी मैं, उसने छुड़वा दी. कहाँ जाती बच्चों को लेकर? सड़क पे. I didn't know what to do. Oh my God. मुझे तो उसने कहा था कि उसकी बीवी है, कि उसे 6 साल से अटैक आते हैं, वो शक करती है, and she's a complete psycho. 6 साल पहले रितु को भी यही कहा था उसने. That was the first time मैंने रितु को और अमर को got them red-handed in a cinema hall. And that was the first time he slapped me. How dare he?
You should have done something about it then. तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? You should have lodged an FIR. You should have called the police. वनिष्का 5 साल की थी. पापा को गुजरे 1 ही साल हुआ था. माँ हार्ट पेशेंट है. मैं माँ को खोना नहीं चाहती थी रे. सारिका, I'm really sorry यार. मैं नहीं जानती मैं उसकी बातों में कैसे आ गई. But I'm really sorry. I feel so embarrassed right now. But there are no excuses now. It's okay. It's okay. But you're right. Now no more excuses. उसका इंश्योरेंस कितना है? पता नहीं. तो पता करो सड़ू, सब पता करो. जितना झेलना था झेल लिया, बस हो गया. और नहीं समझी तुम? साड़ू, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, ऐसे. It's over, बाबा. Start a new life. बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, कुछ काम करो. हाँ, वो भी सोच रही हूँ. काम तो शुरू करना पड़ेगा, पर इतने सालों बाद पता नहीं कौन मुझे जॉब देगा. मालू, I was thinking कुछ वर्क फ्रॉम होम शुरू करें. इस तरह को आइडिया? ये हुई ना बात. टू माई न्यू लाइफ. चीयर्स. टेक केयर. चार क्यूब्स आइस डालना एंड नो सोडा. Cheers.